नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई यूएई दुबई से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, क्योंकि बहुत सारी एक अफवाहें अभी लोगों को समझ में नहीं आ रही, मुझे लोग व्हाट्सअप करते हैं। मैं बात करूंगा वीज़ा एक्सपायर से रिलेटेड। सरकार ने अल्टीमेटम दिया था कि भाई 17 अगस्त 18 अगस्त आपकी लास्ट है, 3 महीने का टाइम था, वो लोगों का कंप्लीट हो रहा है, अभी थोड़े टाइम बाद हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में कंपनी यूएई सरकार ने बहुत सारे चेंजिंग कर दिए वीज़ा फाइन से रिलेटेड। तो क्या होता है कि लोग थोड़ा सा एजुकेटेड कम होते हैं तो उनको थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है। मुझे भी लोग व्हाट्सअप कर रहे हैं कि सर आपने ये बोला था, अभी ये स्थिति हो रही है। तो मैं बता दूं साथियों, हम आज बात करेंगे वीज़ा एक्सपायरी से रिलेटेड, जिनके वीज़ा 1 मार्च से पहले एक्सपायर हुए। 1 मार्च के पहले का मतलब होता है 2020, 1 मार्च से पहले, जैसे 2019, 2018, 2017 कभी भी, ठीक है, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें। फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो भाई हम बता दें आपको कि इंडियन एम्बेसी ने भी कल की डेट में ट्वीट किया था, आधिकारिक घोषणा की गई है इंडियन एम्बेसी की तरफ से, जो यूएई दुबई में ब्रांचेज हैं अलग अलग, ठीक है, उनकी तरफ से भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि भाई लास्ट अल्टीमेटम सरकार ने दिया है जिनका वीज़ा 1 मार्च 2020 से पहले, पहले का मतलब आगे नहीं, अप्रैल मई जून जुलाई, पहले का मतलब जैसे 1 मार्च से पहले हो गया फरवरी जनवरी 2020, उसके बाद दिसंबर 2019 बैक में चल रहे हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि भाई 18 अगस्त को 3 महीने का अल्टीमेटम हो जाएगा, ठीक है, 17 अगस्त लास्ट है, आपको यूएई छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, उसमें आपका बेनिफिट क्या होगा कि आपको जितना भी फाइन है आपका 10,000 15,000 20,000 दराम, वो पूरा का पूरा माफ़ हो जाएगा। ब्लैकलिस्ट आप होगे नहीं, दोबारा से आप दुबई में जाने के लायक रहोगे, ठीक है, फाइन माफ़ हो जाएगा। और क्या चाहिए यार, दोबारा से आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में जाओ या फिर विजिट में भी आप जा सकते हो, अच्छी बात है ये। दूसरी बात, वहाँ पे इंडियन एम्बेसी की तरफ से भी ये प्रचार किया जा रहा है, वहाँ की लोकल जो संस्थाएं हैं, लोकल संस्थाएं होती है ना, जैसे सोशल क्लब जिसको बोल सकते हैं, उनकी तरफ से भी ये ट्वीट किया गया कि भाई हम भी लोगों को प्रचार कर रहे हैं, हम लोगों को बताएंगे किस तरह से फॉर्म भरना होता है। बहुत सारे लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है, मेन रीज़न पासपोर्ट की है। तो भाई जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, गुम हो गया है, आपका मालिक नहीं दे रहा है, आपका मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी हो गया पासपोर्ट के साथ में, तो इंडियन एम्बेसी से आप दोबारा इंडिया आने के लिए स्पेशल फॉर्म भर के, आप आउट पास लगवा के, आउट पास बनवा के भी आप इंडिया आ सकते हैं। जी हाँ, इंडियन एम्बेसी आपकी पूरी हेल्प करेगी, लेकिन वो ऐन वक्त पे नहीं होगा, उसमें भी 7-8 दिन 10 दिन तक कई बार लग जाते हैं। तो आप अभी से प्रोसेस कर लें ताकि 17 अगस्त तक लास्ट टाइम है भैया, आप आ सकते हो। फ्लाइटों का भी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फ़्लाइटों आपको पता है नॉर्मल फ्लाइट तो चल नहीं रही है, फ़्लाइटें तो जो सरकार द्वारा अनुमोदित है वही फ़्लाइटें चल रही हैं। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, जो इलीगल 1 मार्च से पहले हैं वो आने की चेष्टा करें। इंडियन जो वहाँ पे सब से संस्थाएँ हैं वो भी आप लोगों की हेल्प करेंगी, आप किसी संस्था को जानते हैं तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं 1 मार्च से पहले जिनके वीज़ा एक्सपायर हुए हैं, सभी वीज़ा, विजिट, टूरिस्ट, वर्क परमिट या फिर इमिग्रेट्स आई टी, वो 17 अगस्त तक लास्ट आप दुबई में रह के आपको इंडिया आना ही होगा, वरना फिर फाइन के हकदार हो गए, ब्लैकलिस्ट हो जाओगे, जुर्माना बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे।